ये फिलहाल लुक है, 3-4 दिन के अंदर गाड़ी रेडी हो जाएगी, उसके बाद फुल रिव्यू हम दे देंगे आपको। FTC की गाड़ी बना रहे हैं हम, एक चलेगी इनकी, दूसरी गाड़ी तैयार होगी और तो तीसरी जाना बना हमने, मतलब थोड़ा टाइम ही लगेगा उसे आने में, जब आएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस बार इसमें ये गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम रात को सरंद में आ चुके थे, तो ये रही पीछे वर्कशॉप, ये दोनों अपनी गाड़ियां लगी हुई है, वो रेडी आज निकल जाएगी और इसका जाल लग चुका है, आज इसका बॉडी का काम शुरू हो जाएगा। भाई फिलहाल मैं जा रहा हूँ चाय पीने, क्योंकि भूख लग चुकी थी तो चाय पीते हैं जाके, फिर देखते हैं। फिर जैसा कि आपको मालूम है चंडीगढ़ के लिए निकलना है, तो अभी नहीं निकलेंगे, कोई निकलेंगे 1-2 घंटे तक, तब तक चाय पी लेते हैं, खाना वगैरह फ्रेश हो जाता है। खाना हो के हम रेडी हो चुके हैं, तो मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट लाने, पैक करवा के लाऊंगा, यहीं खाएंगे वर्कशॉप में, भाई भी है तो यहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकले चंडीगढ़ की तरफ एक बार, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर आपको पूरी वर्कशॉप का ओवरव्यू दूंगा, गाड़ियों के प्रोग्रेस बताऊँगा, गाड़ियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँची है, किसका काम कितना हो गया। तो चलिए चलते हैं, पहले गाड़ी को ऑल्ड स्टार्ट की हुई है भाई, वर्कशॉप अपनी KS ट्रक बॉडी बिल्डर सरंद। तो ये अपनी गाड़ी लगी है 16 चक्का, तो एक बार गाड़ी की लुक देख लो आप, ये एक गाड़ी तैयार हुई है, अभी अभी इसको पॉलिश मारी है बस, आज गाड़ी का काम थोड़ा सा रहता है, ये चादर लगाने वाली है, बाकी गाड़ी का काम कंप्लीट है, इसके बाद गाड़ी प्रेमर के लिए जाएगी। तो ये भाई FTC की पहली गाड़ी जिसमें स्लाइडिंग डोर लगाए हुए, सनमाइका इसमें चेंज है, मतलब वही जो पहले लगाते थे, जो पहली 16 चक्की थी उसमें लकड़ वाला दूसरा सनमाइका था, तो इस बार इसमें ये सनमाइका है, दूसरी गाड़ी के लिए सनमाइका तैयार हो रहा है। बाकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे है, काम पूरा डन है गाड़ी का, बस जो भी थोड़ा बहुत रहता है बॉडी वालों का काम थोड़ा बहुत, उसके बाद गाड़ी आई प्रिंट पे चल जाएगी, गाड़ी की पेंट के लिए गाड़ी तैयार हो गई है। कैसे हो? ठीक है सर, ठीक है। और बताओ अपने बारे में और वर्कशॉप के लिए कहाँ है एड्रेस? बताया सारा अपने बारे, देखो हमें नहीं ना बताया है। देखो ये गाड़ी तैयार किया हमने, बाद में लास्ट में पार्ट्स भी किया गाड़ी, कैबन ये बड़ी चमक दिखाई स्टील में हमने, देखो ये FTC की गाड़ी बना रहे हैं हम, एक चलेगी इनकी, दूसरी गाड़ी तैयार होगी और तीसरी जाना बना हमने। एड्रेस वगैरह बता दो अपना, यहाँ का अपना KS ट्रक बॉडी बिल्डर सरंद पटियाला चौंक, ते नवी पुरानी वर्कशॉप चावला चौंक चा, नवी उरे तैयार करी असीं ने, गड्डी भी 6-7 गड्डियां कंपर लग जा करन। तो भाई ये कुछ आपको बॉडी बिल्डर का एड्रेस भी बता दिया, पूरी डिटेल बता दी, और ये गाड़ी तैयार हो गई रेडी है, ये गाड़ी है मशीन से हमने पार्ट किया स्टील, ये अभी सुबह सुबह ही पॉलिश की है पूरा, जैसे काम करते समय स्टील को कोई फिशिंग दिखाने के लिए हमने मशीन से सफाई किया, सारा डेकोरेशन किया गाड़ी की स्टील एक नंबर बनाने के लिए, देखो कितनी सफाई है काम हमारे, काम चेक करो कला कला चीज जो कि फिशिंग करिए स्टील जो पेच लगे, जो हमने बारी बनाई ऐसी बारी हमने बिना रेडियो से डालने से हमने ऐसे बारी बनाई है, आराम से बंदा चला सके, तो एंकल को बड़ा मेहनत से सफाई से तैयार करके बारी लगाई है। देखो अंदर से फिशिंग हमारे काम की, तो भाई ये कुछ ये गाड़ी की लुक के अंदर, ये गाड़ी अंदर से ऐसे तैयार हुई है, बिल्कुल सिंपल 3 छत्ती, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल रखी है ताकि सफाई करने में भी आसानी हो, सिंपल गाड़ी बेस्ट लगती है भाई। अभी जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन का काम बाकी है, पेंट के बाद होगा सब कुछ, बाहर से भी आपको बता देते हैं, कैबिन का काम है अंदर जितना भी, ये बहादुर सिंह जी ने किया है, तो बहुत बढ़िया काम किया है, क्या कहना चाहोगे अपने काम के बारे में? अपने काम पे आप काम बोलो ना, ये बॉक्स मीटर प्लेट
ये देखो कितनी बड़ी बना रखा हमने, ऊपर फिनिशिंग का काम देखो, सफाई से काम। बाकी अभी सीट वगैरह लगनी है, वो बाद में लगेगी, सीट वगैरह बाद में लगेगी। बाकी गाड़ी आपको एक बार बाहर से दिखा देते हैं पूरी। ये गाड़ी की साइड पर फाइल बैग से आप देख लो, डाला डूला सब कुछ तैयार है, मतलब सीधा गाड़ी पेंट के लिए जाएगी। ये थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो कर देंगे, मतलब थोड़ी बहुत है, एक आधे घंटे का काम है बस। तो ये अपनी दूसरी 16 चक्का है जो अभी ली थी थोड़े टाइम पहले, तो इसका आप देख सकते हो जाल बन के रेडी हो चुका है। तो बाकी बस इसका काम भी शुरू हो जाएगा जैसे ही वो निकलेगी। निकलेगी क्या, आप वगैरह तैयार पड़े हुए हैं, लकड़ वगैरह सब कुछ तैयार पड़ी है इसकी, बस काम शुरू होने वाला है इसका। निकलने लगे हैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। तो बॉडी बिल्डर हमने आपको बता दिया कि कहाँ गाड़ी लगाई है कहाँ नहीं, तो अभी निकलेंगे सीधा चंडीगढ़ के लिए। बाकी जो भी कोई आया था मगर ठाक्यो, तो निकलते हैं यहाँ से सीधा चंडीगढ़ जाके मिलते हैं अभी आपको। तो इस वक्त हम दनूर वाले एरिया में हैं, यहाँ जो इंटरव्यू करने आए थे वो हमारा इंटरव्यू हो गया, तो अभी हम फ्री हो गए, बस यहाँ से निकलेंगे दोबारा चंडीगढ़ की तरफ। तो वहाँ में जो हमारे साथ भैया आए हैं टाटा मोटर्स की तरफ से, उन्हें ड्रॉप करेंगे और दोबारा सरहंद जाएंगे, फिर सरहंद से दोबारा शाम को जम्मू के लिए चले जाएंगे, क्योंकि जम्मू बहुत काम पेंडिंग पड़े हुए हैं भाई हमारे, वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकते यहाँ पे। तो चलो तो भाई निकल चुके हैं वापस चंडीगढ़ के लिए, और भैया भैया हेलो कर दो। तो भैया ने हमारी काफ़ी हेल्प की है इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू जब आएगा तो मतलब थोड़ा टाइम ही लगेगा उसे आने में, जब आएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और भैया को वापस जहाँ से इन्हें पिक किया था वहाँ ड्रॉप कर रहे हैं भैया। चलो हमारे साथ जम्मू वापस। बस जी बहुत बहुत थैंक्स आपका। तो भैया सोचा है गुलमार्ग जाएंगे, हाँ तो जब भी आओगे हमें कॉल करना, जम्मू घुमाएंगे आप। तो अभी जा रहे हैं भाई वापस। पहले भी आए वैसे चंडीगढ़? नहीं फर्स्ट टाइम है। यस बढ़िया है वैसे चंडीगढ़, हाँ काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, सफाई बहुत है यहाँ पे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन से, बहुत अच्छा है। अभी आपको बताएंगे थोड़ा ट्रैफिक है, जैसे ट्रैफिक क्लियर होता है तो आपको पूरी सिटी बताते हैं भाई कितना बढ़िया माहौल है यहाँ पे। भाई लोकेशन देखो यार कितनी ज़बरदस्त है, तो सोचा यहाँ पे थोड़े फोटो वगैरह खींच लें, बार बार कौन आएगा, काफ़ी सफाई है यहाँ पे। तो भाई भैया को उनके ऑफिस में ड्रॉप कर दिया है हमने, अभी वापस निकल रहे हैं हम सरहंद के लिए। तो काफ़ी टाइम लगता है चंडीगढ़ सिटी में, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हैं, मतलब कोई 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और 10 रेड लाइट है, यानी कि 10 मिनट एक जगह लग जाते हैं 1 किलोमीटर कवर करते हुए। तो अभी चंडीगढ़ सिटी बताते हैं आपको, ये रही भाई चंडीगढ़ सिटी, आप देख सकते हो मतलब प्रॉपर थोड़ा थोड़ा साइड में है, प्रॉपर सिटी के बीच में नहीं है, थोड़ा सा बाहर लगा लो यानी कि जहाँ वो लेक है चंडीगढ़ वाली उसके पास है अभी हम, लेकिन लेक जाने का टाइम नहीं है क्योंकि हमने वापस जम्मू के लिए निकलना है आज रात को, तो इसलिए हम कोई घूम नहीं रहे, बस अपना काम ख़त्म किया है वापस जा रहे हैं, काम बहुत पेंडिंग है पीछे। तो यहाँ देख सकते हो आम के बाग ही बाग है सिटी के अंदर, मतलब कोई सिटी मैंने आज तक ऐसी नहीं देखी जहाँ इतनी हरियाली हो इतनी ग्रीनरी हो, यहाँ आप देख सकते हो सिटी के बीच में बाग है और काफ़ी अच्छे तरीके से है। बाकी ना सिटी में कोई हैवी व्हीकल की नो एंट्री है, सभी गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पे। आमतौर में क्या होता है जैसे हमारे जम्मू देख लो सिटी में दिन को नो एंट्री होती है, अभी मालूम नहीं कि यहीं अलाउ है या पूरे चंडीगढ़ में, वो हमें मालूम है, लेकिन जितना हम आए हैं उतने में तो गाड़ियाँ अलाउ हैवी व्हीकल जो भी है। तो चलो जाते हैं सरहंद जाके देखते हैं अपनी गाड़ी को, प्राइमर भी बजने वाला था तो देखते हैं प्राइमर कितना बजाए कितना नहीं। तो चलो बाकी ट्रैफिक देख लो यार कितना है, और स्पीड लिमिट यार 60 है, 60 से ऊपर जाओ तो ऑनलाइन चलाना। मैं पहुंच चुका हूं सरहंद वापस, तो अभी जाएंगे सीधा अपनी बॉडी वाले के पास, वहां देखते हैं, तो फिर उसके बाद निकल पड़ेंगे दोबारा जम्मू की तरफ। आगे भाई तो ये रही हमारी वर्कशॉप।
काम लगा हुआ है भाई, बत्ते रख दिए नई वाली चेसी में, दूसरी का देखते हैं क्या अपडेट है, जाल पक्का कर रहे हैं भाई। प्रिंबर प्रिंबर बच गए हो चुका है, और ये हमारे इलेक्ट्रिशियन। हेलो हेलो गाइस, क्या हाल है, ठीक हो? और मिलते नहीं आप, कहाँ होते हो? भाई सरंद आ गया तो अमन भैया के पास में आए तो चाय चाय तो पियेंगे। तो बताओ क्या आइटम है नई आई है? जो ओ भाई ये चीज़ तो आपको पता, आपने बताना कि क्या चीज़ नहीं है, जो चीज़ आपकी गाड़ी में लगी हुई नई नहीं है। नहीं आप ऐसे बता दो ना कौन सी आइटम नई आई है, कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट आइटम जो पिछली गाड़ी में आपकी में हार लगा के भेजा, लोग मवाती के पीछे भाग रहे हैं, हमने आपकी गाड़ी में बंसरी हार लगा के दिया। बिल्कुल, और शाग भाई से आप रिजल्ट पूछ लेना, अगर अच्छा होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो वो पूछ ले, ठीक है जी। बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो सर बाकी माइनर माइनर का चेंज होता रहता है, खुद ही देखते रहते हैं, खुद ही बता देते हैं हमको। हाँ अभी तो टाइम नहीं है आइटम देखने का, क्योंकि ठीक है सर, ठीक है चलो भाई निकलने लगे जम्मू के लिए, बाय 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 बाय। तो ये कुछ लिया है गाड़ी को लगाने के लिए, परांठे भी है भाई, ये लगाया है गाड़ी को आगे, बताओ कैसा लग रहा है। बस अभी निकलने लगे फाइनल जम्मू के लिए, तो बाकी अपडेट तो दे ही दी है गाड़ी की, जब रेडियो की आएगी तो फिर बताएंगे। मैं निकलने लगे हैं तो ये फ़िलहाल लुक है, तीन चार दिन के अंदर गाड़ी रेडी हो जाएगी, उसके बाद फुल रिव्यू हम दे देंगे आपको जब गाड़ी रेडी होके घर आ जाएगी जम्मू वापस। उसका काम लगे उससे भी थोड़े दिन लग जाएंगे, तो सेम ही है बस। इस बार हमने बारी जो ये है स्लाइडिंग डोर बनवाया है FTC में, पहला ट्रक है जिसमें ऐसे डोर है। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा तो हो ही गया है, तो चलो निकलते हैं। जाम चेक करो गाइस, जितनी लोग जल्दी करते हैं आगे जाने की उतनी जल्दी जाम होता है, और मैप में पूरा जलंधर तक जाम बता रहा है भाई, जलंधर यहाँ से 10 किलोमीटर है, पूरी रेड लाइन बताई हुई है, देखते हैं आप कब तक पहुँचते हैं। धरना लगा इसकी वजह से रोड बंद था, चलो पहुंच गए जलंधर, टेंट टूंट लगा दिए भाई रोडों में, अभी है पता नहीं किस चीज़ का है।